वॉचिंग पाटल यूट्यूब चैनल कैनेडा टूर। हम जा रहे हैं, इसका कैमरा, ये वीवो की एक नई डिवाइस है, नया मॉडल है Y31। इसका हम कैमरे की मुकम्मल इसकी करने वाले हैं, लगा लें सब कुछ रिव्यू, यानी कि फुल रिव्यू करने वाले हैं इसकी। इसमें हम फोटोज़ लेंगे, सेल्फी लेंगे और साथ वीडियो बनाएंगे फ्रंट और बैक कैमरे से, ताकि आपको मुकम्मल रिजल्ट मिल सके, मुकम्मल परफॉर्मेंस का पता चल सके इसके कैमरे आपको क्या कुछ देने वाले हैं। इसलिए हम हमारे साथ रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको मोबाइल अनबॉक्सिंग और इस तरह कैमरा रिव्यू, मोबाइल एक्सेसरी की अनबॉक्सिंग रिव्यू मिलती रहे। आइए चलते हैं और इसके कैमरा टेस्ट करके आपको बताते हैं क्या कहते हैं। जी फ्रेंड्स, हम फाइनली आप इसका करते हैं कैमरे का और आपको बताते हैं हमें जो कैमरे के ऑप्शंस मिल रहे हैं इसके बारे में कुछ बताते हैं हमें कैमरे के। इसमें सबसे पहले बैक कैमरे पे आपको नाइट मोड बन मिल जाता है, जिसमें आप रात के वक्त आप आराम से इसमें वीडियो बना सकते हैं। पोर्ट्रेट्स मिल जाता है आपको, फोटोज़ मिल जाते हैं आपको, वीडियोज़ मिल जाती है आपको, देन मोर स्लो मोशन वीडियो मिल जाती है आपको। 48 मेगापिक्सल अगर आपने जाना होगा, ये नुक्कड़ में फेंक देते हैं, अगर आपको 48 मेगापिक्सल चलाना होगा कैमरा, यहाँ पे जाके 48 पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आप 48 मेगापिक्सल की कैमरे में बना सकते हैं, वरना आप नहीं बना सकते। और इसके अलावा हमारे पास फोटोज़ होगी, वीडियोज़ होगी और मोर पे जाके आप 48 मेगापिक्सल, उसके अलावा आपको मिलता है स्लो मोशन मिलता है, आप स्लो मोशन पे वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर आप टाइम लगा के बनाना चाहते हैं प्रो वीडियो, लाइव वीडियो, फोटोज़ और इनके ऑप्शन से आपको मिल जाते हैं। व्यूअर्स, आइए अब हम इस पे जो फोटोज़ है और वीडियो बना के इसमें देखते हैं हमें क्या देखने को रिजल्ट मिलता है। और इसी तरह सेम हमें नाइट में भी मिल जाता है, सेल्फी कैमरे में भी सेम ऑप्शन हमें मिल जाते हैं जो मैंने बताए हैं आपको। आप बैक और फ्रंट दोनों कैमरों पे इस्तेमाल कर सकते हैं ये ऑप्शन। आइए हम आपको बताते हैं वीडियो लेके बना के क्या हमें वीडियो की परफॉर्मेंस और फोटोज मिलती हैं। जी व्यूअर्स, हम आपको जो दिखा रहे हैं अभी, जो लास्ट टाइम मैंने इसके फोटोज़ बनाई थी अपनी सेल्फी की, वो मैं आपको अटैचमेंट करके दिखा रहा हूँ। ये सेल्फी की फ़ोटोज़ है, मेरे ख्याल के मुकाबले की इस प्राइस के एक्सेप्ट से लिहाज से मुझे जो अच्छी लगी है फ़ोटो, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में मुझे कि आपको कैसी ये फ़ोटोज़ लगी हैं। इसके बाद से जो हमारी ये इसके नेक्स्ट फ़ोटो की सेल्फी है, जो हमारी बैक साइड की रोशनी है और फ्रंट से रोशनी नहीं है, जबकि पहले फ्रंट से रोशनी थी, बैक से नहीं थी, अब बैक से मतलब रोशनी है, फ्रंट से नहीं है। ये हमारी अगली पिक्चर जो आप हम लगा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर हमारी पिक्चर है अपनी बाहर की बैक कैमरे से ली गई है पिक्चर से, ये वो पिक्चर्स हैं। और इसके साथ मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और जो आपके सामने भी चल रही है, ये वीडियोस है जो हमने फुल इसकी जूमिंग और फुल 48 मेगापिक्सल के करने के बाद हमने ये फ़ोटोज़ बनाई थी जो तुम्हारे पास आ रही हैं। और मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी हैं, इनके कलर जो है मुझे तो बहुत अच्छे लगे हुए हैं। और दोबारा हमारे 48 मेगापिक्सल बाहर की ये फ़ोटोज़ हमने ली हुई हैं। ये कुछ सैंपल थे जो हमने आपको दिखा दिए हैं। अब आप बताइए, आप क्या इस कैमरे के बारे में क्या राय रखते हैं, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको और दूसरों जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है, ताकि अगर आपको इम्प्रेस हैं, आप बाय करना चाहेंगे या नहीं इस प्राइस कैटेगरी में बाय करना चाह रहे हैं। इसकी जो प्राइस है वो 3499 रखी गई है पाकिस्तान में। और आप क्या इसकी प्राइस के हिसाब से क्या राय रखते हैं, ज़्यादा है, कम है? और इसका जो स्पेशली जो LED उन्होंने इनमें जो पैनल दिया गया है, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि सुपर एमुलेट होना चाहिए था या LED ही ठीक है इस प्राइस कैटेगरी में, या वीवो ये गलत कर रहा है, आपकी क्या राय है, ये आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। अपने उस आज में इजाज़त है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।